नेपाल यात्रा की हमारी शुरुआत होती है अपने दिल्ली से। दिल्ली के बस अड्डे को छोड़ते हुए अब हम गोरखपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। टॉयलेट भी इस बस के अंदर ही है, जिसका टिकट अराउंड 400-500 रुपए पड़ता है। इस समय हमारी बस गोरखपुर तक पहुंच चुकी है। ये लगभग 400-450 रुपए लेंगे और आपको टैक्सी से सोनाली बॉर्डर तक नेपाल के पहुँचा देंगे। ये आप सामने बस देख सकते हो, इसमें अब हम आगे का सफ़र करेंगे। हम लगभग 4 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ पहुँच पाए हैं। बस स्टैंड जो सोनाली बॉर्डर का हमारे साइड का है, ये इंडियन बॉर्डर, ये बीच का रास्ता और ये आपका नेपाल बॉर्डर। और यहाँ पे इजीली एंट्री हो रही है, किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अब हम नेपाल के अंदर आ चुके हैं। ये आप देखिए, नेपाल का गेट है और हमारी एंट्री नेपाल के अंदर हो चुकी है। काठमांडू जाना हो या पोखरा जाना हो तो उसके लिए इस जगह से आपको मॉर्निंग में 11 बजे तक बस मिलती है। मनी एक्सचेंज जो है आपके 1 रुपये, यहाँ के 1.60 रुपये होते हैं। ये आप देख सकते हैं नेपाली खाना है यहाँ पे। तो नेपाल यात्रा की हमारी शुरुआत होती है अपने दिल्ली से। दिल्ली से ये आप सामने हमारी बस देख सकते हो, ये हमने प्राइवेट बस करी है। इसमें 1200-1300 रुपये में सिटिंग मिल जाती है और लगभग 2000 रुपये में आपको स्लीपर का भी आनंद मिल जाता है। और ये बस से अभी हम जा रहे हैं गोरखपुर तक, और गोरखपुर से आगे हम नेपाल जाने के लिए देखेंगे कि आगे का क्या करना है। ये बस के अंदर के नज़ारे आप देख सकते हो। ये नीचे जो है सिटिंग एरिया है, ये लगभग 1200-1300 रुपए का टिकट था और ये हमने स्लीपर किया था। सिंगल स्लीपर लगभग 2000 था और अगर आप डबल स्लीपर में करते हो तो 1500-1500 के टिकट पड़ता है। दिल्ली के बस अड्डे को छोड़ते हुए अब हम गोरखपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हो, हमें बताया गया है कि ये नॉन स्टॉप बस है, ये कहीं नहीं रुकेगी। टॉयलेट भी इस बस के अंदर ही है, एसी लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंबल और तकिया वगैरह भी दिया हुआ है इन्होंने, स्नैक्स भी इन्होंने दिया है। स्नैक्स के नाम पे इन्होंने थोड़े से चिप्स वगैरह हमें दे दिए और एक पानी की बोतल दी है। बाकी मैं आपको बता दूं कि यदि आप इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं कि आप बहुत रिलैक्स सफ़र करो, तो आप ट्रेन का भी कर सकते हो। स्लीपर ट्रेन कर लो आप गोरखपुर तक की, जिसका टिकट अराउंड 400-500 रुपए पड़ता है। और अगर आप उसमें थर्ड एसी भी करते हो तो वो भी आपको 1200-1300 रुपए पड़ता है, लेकिन वो रिज़र्वेशन आपको थोड़ा सा टाइम पहले करानी पड़ेगी, जिससे कि आपको लास्ट टाइम में किसी तरह की आपाधापी आपके साथ ना हो। ये पहला टोल प्लाज़ा पड़ा है, हमें 12:01 बजे का टाइम हो रहा है और ये मैं अपने शीशे से, शीशा इतना क्लियर है कि बाहर की पूरा नज़ारे इजली साफ सुथरे तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। ये टोल प्लाज़ा बहुत खूबसूरत लग रहा है नाइट के टाइम पे। मॉर्निंग के लगभग 6 बजे के आसपास टाइम हो रहा होगा और इस समय हम अयोध्या से निकल रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो सामने सड़क जा रही है, ये अयोध्या की तरफ ही निकल रही है, अयोध्या मंदिर की तरफ। अयोध्या का मैं पहले भी एक ब्लॉग बना चुका हूँ, अगर आप वो देखना चाहें तो हमारे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। लगभग 8-9 बजे का टाइम था और इस समय हमारी बस गोरखपुर तक पहुंच चुकी है। ये इनका कोई प्राइवेट बस स्टॉप है, यहाँ पे इन्होंने रोका है और यहाँ पे पहले से ही सोनाली बॉर्डर तक यानी कि नेपाल बॉर्डर तक ले जाने के लिए टैक्सी वालों की लाइनें लगी हुई थी। इनसे पूछने पे पता लगा कि ये लगभग 400-450 रुपये लेंगे और आपको टैक्सी से सोनाली बॉर्डर तक नेपाल के पहुँचा देंगे। फिलहाल हमारा आज जाने का मूड नहीं था तो हमने स्टे किया गोरखपुर में ही, और फिर उसके अगले दिन ऐसे ही घूमते टहलते हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन तक आए हैं, ये देखने के लिए कि यहाँ से क्या अवेलेबिलिटी है नेपाल तक जाने की। यदि आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हो या फिर अपना सरकारी बस से आ रहे हो तो आपको यहीं पे उतारेगी बस, और यहाँ से टैक्सी वगैरह मिल जाती हैं, 400-500 रुपए लेती हैं। और इस तरह की एसी बसेस आपको मिल जाती हैं, ये आपसे 160-170 रुपए लेती हैं और लगभग 3 घंटे में आपको सोनाली बॉर्डर नेपाल के पास पहुँचा देती है। फिलहाल हमारा ये था कि हम देखना चाहते थे कि सरकारी बस कितना टाइम लेती है और वो कितनी देर में पहुँचाती है और उसका क्या किराया है। यही सोचते हुए हम थोड़ा सा आगे गए, लगभग 200-300 मीटर पे ही आपको बस अड्डा मिल जाएगा जो सरकारी बस अड्डा है। वहाँ पे रेगुलर इंटरवल में आपको नॉन एसी बसेस मिल जाएंगी, आप उन्हें कर सकते हो। हमने भी बस एज ए एक्सपेरिमेंट उस बस का सफ़र किया, 127 रुपये का टिकट था। ये आप सामने बस देख सकते हो, इसमें अब हम आगे का सफ़र करेंगे।
बस का सफ़र स्टार्टिंग में तो थोड़ा ऐसे ही था, बहुत अच्छा नहीं था। बाकी सीट्स खाली थी तो रिलैक्सली मैं बैठ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था बस की स्पीड से और जिस हिसाब से वो घुमा घुमा के ले जा रहा था कि ये 2 घंटे का सफ़र तो नहीं, इसमें हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। लगभग 1-1.5 घंटे बाद ही बस वाले ने कहीं खाने के लिए रोक दिया। मेरी समझ से बाहर था कि इतने छोटे सफ़र में भी आप खाना खाने के लिए क्यों बस रोक रहे हो, लेकिन कोई नहीं, जो भी इनके रूल्स हैं या जो भी इन्होंने अपने रूल्स खुद बना रखे उनको हम बस के यात्रियों को भी फॉलो करना पड़ेगा। आधे घंटे के ब्रेक के बाद दोबारा से बस चली और बस यात्रा दोबारा से चालू हो गई, लेकिन बस वाला बहुत ही स्लो स्पीड से हमें ले जा रहा था। लगभग 3 घंटे के बाद हम नौतनवा तक पहुंच गए हैं। या आप देख सकते हो सामने नौतनवा रेलवे स्टेशन का बोर्ड दिख रहा है। और आप कभी ट्रेन से ही प्रॉपर सफ़र करना चाहते हो और बस का सफ़र नहीं चाहते हो तो आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन से उतर के वहाँ से लोकल ट्रेन या जो भी ट्रेन नौतनवा तक आती है आप ये भी कर सकते हो, नौतनवा तक आ सकते हो। यहाँ से पास में ही है सोनाली बॉर्डर और यहाँ से आपको ऑटो वगैरह सोनाली बॉर्डर तक मिल जाता है। फाइनली अब हम लगभग 4 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ पहुँच पाए हैं, बस स्टैंड जो सोनाली बॉर्डर का हमारे साइड का है। और अब बस रुकने जा रही है और यहाँ से हम देखेंगे कि कितनी दूर बॉर्डर पड़ेगा। यहाँ हमें कई सारे रिक्शे वाले थे जो 10 से 20 रुपए में हमें बॉर्डर तक पहुँचा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा पैदल ही चलते हैं और बिल्कुल ही पास में बॉर्डर था, 200-300 मीटर हार्डली होगा। तो पैदल जाते जाते अभी आप सामने देख रहे हो कि दोनों तरफ मार्केट है और ये सामने इंडिया नेपाल का बॉर्डर हमें दिखाई दे रहा है। ये तो हो गई सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस की बात बस की, और उसके बाद बस से मैं वापस गोरखपुर आ गया अगले दिन अपने सामान के साथ जाने का सोचते हुए। और नेक्स्ट डे हमने टैक्सी करी और टैक्सी का एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। 400 रुपये में मेरी बात हुई, लेकिन रास्ते में ये टैक्सी वाले करते हैं कि आपसे पेट्रोल भरवाने के नाम पर या किसी और नाम पर आपसे 400 की जगह 500 रुपये ले लेते हैं और फिर उसको लास्ट टाइम में वहाँ उतर के वापस नहीं देते। इसी तरह की प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई, मेरे साथ के एक आध यात्री और थे उनके साथ भी हुई। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप बिल्कुल फिक्स करके चल लें कि कितने रुपए में चलना है और उससे बिल्कुल ही फाइनली कर दें कि इतने रुपए ही मैं आपको वहाँ पर पहुँच के दूँगा, इससे ज़्यादा नहीं दूँगा। फिलहाल बाकी सफ़र ठीक था, लगभग 2 से 2.25 घंटे 2.5 घंटे में हम पहुँच चुके थे। आगे का मेरा विचार था कि आगे हम काठमांडू, लुम्बिनी या फिर पोखरा निकलेंगे और ये विचार था कि पहुंच लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वहां से क्या अवेलेबिलिटी और कितना टाइम हमें लगेगा इन 3 जगहों में से जाने के लिए। और टैक्सी वाले ने तो बिल्कुल हमें बॉर्डर के बिल्कुल ही पास उतारा और यहां से टैक्सी से उतर के हमें सबसे पहले अपना सामान वगैरह चेक कराना पड़ता है। यहाँ पर सामान वगैरह चेक कराया, ये इस समय आप देख रहे हो ये सामने नेपाल बॉर्डर दिखाई दे रहा है और इस तरफ हमारा इंडियन बॉर्डर है और ये बिल्कुल बीच का रास्ता है जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ सामान चेक करवाने के लिए। ये इंडियन बॉर्डर, ये बीच का रास्ता और ये आपका नेपाल बॉर्डर। सामान वगैरह चेक कराने के बाद अब हम नेपाल में अपनी एंट्री करने जा रहे हैं और यहाँ पे इजीली एंट्री हो रही है, किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। लोग गाड़ियाँ ले जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे पैदल आ रहे हैं, किसी तरह का कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। हालांकि जो लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं और टैक्सी वगैरह वाले उनसे थोड़ा पूछ लिया जाता है, अदरवाइज सभी को यहाँ पर लोकल माना जा रहा है या जो भी है, लोग अपनी बाइकें लेके, साइकिल वाइकिल लेके और पैदल आराम से आ जा रहे हैं, बॉर्डर को ईजिली पार कर रहे हैं। चलिए अब नेपाल बॉर्डर को पार करके नेपाल की साइड में चलते हैं।
अभी अब हम नेपाल के अंदर आ चुके हैं। ये आप देखिए नेपाल का गेट है और हमारी एंट्री नेपाल के अंदर हो चुकी है। नेपाल में एंट्री करते ही राइट साइड में काफी सारी शॉप्स हैं, यहाँ पे आप अपने ट्रैवलिंग की बुकिंग कर सकते हो आगे जाने के लिए, और अपना सिम वगैरह जो भी चेंज फॉर्मेलिटीज करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे हमें बहुत सारी बसें दिख रही थी जो कि अलग अलग जगहों पे जाने के लिए थी, लेकिन आपको बता दें कि काठमांडू जाना हो या पोखरा जाना हो तो उसके लिए इस जगह से आपको मॉर्निंग में 11 बजे तक बस मिलती है, और इवनिंग की बात की जाए तो लगभग 6-7 बजे के बाद आपको नाइट की बसेस मिलती है। तो अगर आप आफ्टरनून में आ रहे हो तो आपके लिए काठमांडू और पोखरा जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको बसें दोपहर के टाइम पर यहाँ से नहीं मिल पाती। तो यही सब सोचते हुए हमने प्लान बनाया कि चलिए लुम्बिनी चलते हैं। लुम्बिनी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो लुम्बिनी का प्लान बना ही रहे थे, तो उससे पहले हमने सोचा चलिए पहले टिकट बुकिंग वगैरह पूछ ली जाए और खाना आना खा लिया जाए और नोट्स वगैरह चेंज करा लिए जाएँ अपने। तो मनी एक्सचेंज कराना सबसे पहले हमने ज़रूरी समझा। मनी एक्सचेंज जो है आपके 1 रुपये यहाँ के 1.60 रुपये होते हैं, यानी कि हमने 10,000 दिए तो उसके 16,000 नेपाली रुपीस हमें मिल गए। उसके बाद हमने यहाँ पे लंच किया। लंच यहाँ पे ज़्यादातर नेपाली थाली जिसे थकाली खाना करके कहते हैं वो आपको मिल जाती है, और ये आप देख सकते हो नेपाली खाना है यहाँ पे, और ये लगभग मुझे इंडियन रुपीस के हिसाब से 120 के आसपास पड़ा, और इसमें आप भरपेट खाना खा सकते हो जितना आपको खाना है। वो बार बार आपसे पूछते रहते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या चाहिए, और आप भरपेट खाना खा सकते हैं। अच्छा खाना था और पौष्टिक खाना था। ये तो हो गई हमारी नेपाल बॉर्डर तक की यात्रा। अब आगे की यात्रा जो हमारी लुम्बिनी पोखरा और काठमांडू की है, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इस तरह से ट्रैवलिंग दिखाएंगे कि आपको जानकारी भी मिले और हमारी व्लॉगिंग भी चलती रहे। तो हमारे साथ बने रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।